हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज आपने कल की क्लास देखी होगी परसेंटेज की पार्ट टू, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किए थे कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि कि आपका जो DDA JEE में है परसेंटेज का पार्ट नहीं है, पर अभी आप आगे जब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और जो है आपका थोड़ा सा आगे जो भी टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज का यूज होगा। तो मैं सोचा आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज से इंट्रोड्यूस करा दो, परसेंटेज होता क्या है, कैसे लगता है, कैसे निकाला जाता है, क्या कैसे होता है। तो कल की क्लास एक तो बेसिक थी, उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया थे, आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी आज आपकी परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी, कल से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पर अपना मूव ऑन करेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखना अगर बनता है यहाँ से कैसे बनता है, ठीक है, क्योंकि आपका परसेंटेज आपका आने वाला नहीं है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा परसेंटेज का पार्ट थर्ड रहेगा ये, क्योंकि हमने एकदम बेसिक किया था, तो आज आपको परसेंटेज का पार्ट थर्ड पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से कोई परसेंटेज का क्वेश्चन बनता है, कैसे, क्या उसमें लैंग्वेज होती है, क्या होती है। इसकी PDF आपको कल वाले की PDF आपको मिल गई होगी, आपने देख भी लिया होगा और आपने उसका प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। आज की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। जो PDF मिलेगी उसी का यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन भी कर रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर बनेगा, तो जैसे हमने कल एक डिस्कस भी किया था कि मान लो किसी व्यक्ति की इनकम जो है 100 रुपये है, कुछ दिन के बाद उसकी इनकम मान लो बढ़ के 200 हो जाती है, तो क्वेश्चन पूछता है बताओ उसके इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो कैसे निकालते हैं वृद्धि, तो पहले यहाँ देखो 100 रुपये थी इनकम, 200 रुपये हो गई, मतलब 100 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो अब जहाँ मान लो 100 की वृद्धि हुई 100 के रेस्पेक्ट में, तो ये कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, तो 100% निकल के आता है आपकी, 100% की वृद्धि हो गई। सेम ऐसे मान लो किसी व्यक्ति की राशि आपकी मान लो है 250 रुपये है, या मान लो 100 रुपये है, उसकी वृद्धि 120 रुपये हो गई, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 20 का वृद्धि हुआ किसके रेस्पेक्ट में, 100 के, तो 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे कितना 20% की वृद्धि निकल के आती है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का जो रहेगा इसी बेस पर है, तो उसको देख लेते हैं। PDF में आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन जो आज का रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका कि यदि ए क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे पहले एक बार हम, यदि ए बराबर 1300 और बी बराबर 1450 है तो बताना है आपको बी, PDF में आप पढ़ सकते हो बट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो बी ए से लगभग कितने परसेंट अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ देखो ए कितना है 1300 रुपये है, बी कितना है 1450, तो बताना है बी ए से लगभग कितना अधिक है। तो ए आपका कितना है 1300 है और बी कितना आपका है 1450। तो पहले देखो कि संख्या में कितना अधिक है, तो यहाँ आप देखोगे कितना अधिक है, तो 150 का ये अधिक है, ठीक है, 150 अधिक है। पर अगर हम देखें परसेंटेज में, तो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं परसेंटेज में, एक रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ए आपका 1300 आपका हो जाएगा नीचे यहाँ पे, मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा 100, ये दोस्तों कट हो जाएगा, कितना आ गया आपका 150 डिवाइड बाई 13 यहाँ पे आ गया, इसको भाग करो 13 को 150 में, तो एक बार जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ बचेगा 2, फिर एक बार जाएगा 13, फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 7 0 यहाँ, फिर 5 बार 13 बच्चे 65, मतलब 11.5 कितना जाएगा 11.5% की क्या हो जाएगी वृद्धि यहाँ पे हुई है। तो मतलब कितना वृद्धि हुई है अगर निकालना पड़े, तो सबसे पहले देखो संख्यात्मक मान कितना है, यह आपकी संख्या इतनी बढ़ी हुई है, किसके रेस्पेक्ट में हमारा मान बढ़ा है, तो यहाँ आप देखोगे 1300 के रेस्पेक्ट में आपका मान बढ़ा है, तो कितना यहाँ जाएगा नीचे 1300 आ जाएगा, बस ऐसे सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, ठीक है, मोहन की आय, क्वेश्चन देखो लिखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, PDF में देख लीजिएगा, पहले हम लोग समझ बस के डायरेक्ट समझेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो दूसरा आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपकी मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, क्वेश्चन में ही आपका है कि मोहन की आय जो है वो श्याम की आय से 40% अधिक है, तो बताना है श्याम की आय
मोहन की आय से श्याम की आय मोहन की आय से कितना कम है, आय से कितना कम है। तो क्वेश्चन में क्या है कि मोहन की जो आय है श्याम की आय से 40% अधिक है। तो मान लेते हैं जो श्याम है उनकी जो आय है 100 मान लेते हैं, कितनी है 100 मान लेते हैं, तो मोहन की आय कितनी हो जाएगी, तो 40% अधिक हो जाएगी। 100 का 40% करोगे तो 140 आ जाएगा, तो मोहन की आय कितनी होगी 140 हो गई, श्याम कितनी होगी 100 हो गई। अब कह रहा है कि श्याम की आय मोहन की आय से कितना कम है, तो श्याम की आय 100 है और मोहन की 140 है, तो कितना कम है, पहले तो देखो 40 कम है ठीक है, श्याम की आय मोहन की आय से 40 कम है किसके रेस्पेक्ट में, मोहन के रेस्पेक्ट में किसके रेस्पेक्ट में भैया, तो मोहन के रेस्पेक्ट में कह रहा है यहाँ हो जाएगा कितना 140 हो जाएगा डिवाइड बाई 100। अच्छा गलती कहाँ होती है लोगों से, यहाँ पे 100 कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे श्याम की आय मोहन की आय से, मतलब मोहन की आय से कितना कम है, तो पहले तो देखा आपने 40 कम है श्याम की आय, मोहन की रेस्पेक्ट में बात कर रहा तो मोहन का नीचे आ जाएगा ठीक, 10 से 0 इनसे कैंसिल काट दो, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 400/14 ठीक, 2 से काटोगे 200 हो जाएगा बटे 7, 7 का करोगे यहाँ पे 7 का भाग 200 में कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14, 6 आ जाएगा, 7 × 8 = 56, यहाँ हो जाएगा कितना 4, तो 28 सही 4/7% आपका आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा कि श्याम की आय जो होगी मोहन की आय से 28 सही 4/7% क्या होगी, कम होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा कि इस किस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है उसको समझने से पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं एक कंसेप्ट को। देखो हर एक क्वेश्चन को, अगर आपको एक क्वेश्चन नया होगा तो उसके पहले हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे क्या उसका कंसेप्ट रहने वाला है ठीक है तो जो अगला आपका जो क्वेश्चन आएगा उसका कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है। कंसेप्ट क्या है, सपोज़ आप DDA JEE में जॉब करने लगते हैं, आपकी जॉब लग जाती है, आप जॉब पर जाते हैं, आपको कुछ सैलरी मिलेगी, जैसे आपको सैलरी मिलेगी उस सैलरी का कुछ पार्ट आपका मान लीजिए मेडिसिन पे आपका 20% खर्च हो जाता है ठीक है, आपके स्टडी पे मान लीजिए आपका 10% खर्च हो जाता है, मान लीजिए इंटरटेनमेंट पे, इंटरटेनमेंट पे आपका जो है 23% आपका खर्च हो जाता है ठीक है, फिर आपका मान लो फूड पे खाने वगैरह पे आपका जो है 20% खर्च हो जाता है, तो बाकी कितना बचे, मतलब जो बाकी आपका है वो आपका सेस सेविंग आपका है ठीक है, तो पहले कितना खर्च हो गया देखो यहाँ पे 20, 10, 23, 30, 60, 80, मतलब कि 80% जो था आपका वो तो खर्च हो गया, आपकी सैलरी का 80% क्या हो गया भैया, वो आपका खर्च हो गया, बचा आपका कितना बचा आपका जो है 20%, तो 20% आपका जो सेस है यहाँ पे बचा, आपका जो सेस है यहाँ पे वो 20% बचा है, मतलब आपकी 100% जो सैलरी है उसमें से आपने 80% खर्च कर दिया, जो सेस आपका बचा आपने उसको सेविंग कर लिया। तो इस कंसेप्ट पे आगे का आपका क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग समझेंगे किस तरीके से हमको लगाना होगा। क्वेश्चन पढ़ लिए PDF में आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन है भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर और 10% स्टेशनरी पर और 14% अपनी यातायात पर और 18% बिजली पर और बचा हुआ 1520 रुपये अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है, भानु का मासिक वेतन कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कितना उसने खर्च करता है क्वेश्चन है आपका 20% किराए पर, मतलब जो मासिक वेतन का किराए पर, तो किराए पर कितना खर्च हो रहा है उनका, किराए पर उनका जो है 20% खर्च हो रहा है ठीक है, उसके बाद आपका स्टेशनरी पर, स्टेशनरी पर 10% भानों का खर्च हो रहा है, उसके बाद यातायात में आपका जो है 14% का खर्च आ रहा है, और बिजली पर आपका जो है 18% का खर्चा आ रहा है, ये आपका टोटल खर्चा आ रहा है ठीक है। टोटल खर्चा कितना हो जाएगा अगर जोड़ोगे परसेंटेज में, तो 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40, 50, 50, 58, 4, 62, मतलब 62% आपका टोटल खर्चा हो जा रहा है ठीक है, मतलब किराए के ऊपर, भानु का स्टेशनरी पर, यातायात पर, बिजली पर इतना खर्चा हो रहा है। तो अगर हम मान लें कि इनकी जो सैलरी अगर 100% है
तो कोई भी चीज़ चाहे उसकी सैलरी 2000 रुपये हो, चाहे 100 ही रुपये हो, चाहे जितनी भी हो, तो कोई भी चीज़ हमने बताया था अपने आप में 100% होती है। अगर 100% की सैलरी है तो उसमें से अगर 62% का खर्च हो जा रहा है तो बचा कितना, 38% उनका बच रहा है, 38% बच रहा है। और क्वेश्चन में आपका यही कह रहा है कि भानु के पास जो बचत रुपये है 1520 रुपये, जो अन्य वस्तुओं पर जो है उनके जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए पैसे हैं 1520 रुपये अन्य वस्तुओं पर व्यय करते हैं, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 38% बचता है, और अगर संख्यात्मक मान में देखें तो 1520, मतलब ये कहीं ना कहीं जो आपका 38% है वो बराबर किसके है, 1520 रुपये के आपके बराबर है। हमको निकालना क्या है, मासिक वेतन, तो वेतन कितना होता है 100%, अगर 38% का जो मान है वो 1520 है तो 100% का मान कितना होगा, 1520 डिवाइड बाई 38 इंटू 100। अब इसको देखो, चार से काटो कट जाएगा, 4 8 32 और 4 3 12 3 15, यहाँ हो जाएगा 10 और 40 × 100 मतलब कितना हो जाएगा 4000, मतलब उसका जो मासिक वेतन था भानु का, जो मासिक वेतन होगा भानु का, जो मासिक वेतन होगा कितना हो जाएगा, वो 4000 रुपये मासिक वेतन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, अगर आपको नहीं समझ में आएगा फिर से आप पढ़िएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, तो 20% किराए पर, स्टेशनरी पर 10% खर्च कर देता है, यातायात पर 14% खर्च कर देता है, बिजली पर आपका 18% खर्च देता है, तो कुल कितना उसने खर्च किया, कुल उसका 62% खर्च हो गया। अब जो क्वेश्चन में 1520 रुपये दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि बचे हुए 1520 रुपये वो शेष कार्यों पर खर्च करता है, तो 1520 संख्यात्मक मान है, अगर हम परसेंटेज कर रहे हैं तो परसेंटेज में देखें तो 100% उसका जो है वो आपका उसकी सैलरी है, उसमें से 62% अगर घट जाएगा बचे कितना 38%, तो ये आपका जो 38% है यही तो आपका रिमेनिंग है, यही आपका रिमेनिंग उसके पास या उसी की उसकी सेविंग है। अब इसी सेविंग जो 38% है उसका मान दे रखा है कितना, 1520 रुपये, बस यहाँ से हमने निकाल लिया 100% बराबर इस तरीके से, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। PDF आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेना, वहाँ पे आपको, ताकि फिर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन 15 कह रहा है कि अंजलि ने अपने वेतन का 45% खरीदारी पर और खर्च करने का फैसला किया, और अपनी खरीदारी पूरी होने पर उसने महसूस किया कि उसने केवल 11,475 रुपये खर्च किए थे, जो कि उसके द्वारा खर्च किए जाने के निर्णय के 60% ही थे। अंजलि का वेतन कितना है? देखो इसमें मान लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन जो अगला है क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, कह रहा है कि अंजलि का मान लीजिए वेतन कितना है, अंजलि का वेतन जो है आपका मान लीजिए ए है, ए बी एक्स कुछ भी है। अब उसने सोचा कि इसको हमको 45% अपने वेतन का खर्च करना है, तो ए का कितना खर्च करना है अपने वेतन का, क्योंकि हमको वेतन तो पता नहीं है, वेतन कुछ मानना पड़ेगा, तो अगर वो 45% अपने वेतन का खर्च करता है, ठीक है, खर्च करने उसने वादा किया था, लेकिन जब उसने खर्च करने का महसूस किया तो उसने कुल 11,475 रुपये ही खर्च किए हैं, तो उसने सोचा अगर 11,475 खर्च किए हैं तो वो कितना परसेंट है, तो उसने कहा कि ये तो केवल हमारे अनुमान, कितना है आपका है मासिक वेतन जो अंजलि का टोटल वेतन ए है, उसने सोचा कि हम अपने वेतन का 45% खर्च कर देंगे, पर उसने खर्च नहीं किया, अगर वो खर्च करती तो इसका इतना आता, लेकिन उसने जो खर्च करने का सोचा था इसका 60% ही उसने खर्च किया, तो इसने का 60% जो है अगर खर्च किया तो बराबर कितने के है, वो 11,475 रुपये के हैं, तो यहाँ से एक अमान निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होगा, यहाँ आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा 5 2 10 और आपका हो जाएगा 5 2 10 और 5 9 45 और 5 25 इस तरीके से, और फिर आपका 3 3 9 और 3 7 21 और 3 6 18 3 5 15 ठीक है, फिर 3 से कटेगा 3 1 9 3 3 5 15 3 5 15 यहाँ एक अमान निकालोगे 155 × 100 × 100 डिवाइड बाई 60, एक से जो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका यहाँ 2 3 6 2 5 10 3 से काटोगे तो यहाँ कुछ कैंसिल आउट में दिक्कत हुई है, कैंसिल आउट करना है आपको, कितना ही क्वेश्चन तो है आपका, ए का 45
11,475 है ना, 11,475 है, रुक जाओ। सबसे पहले ए का हम लोग क्या करेंगे, 45% करेंगे, उसके बाद उसका 60% करेंगे, बराबर किसके होगा, वो 11,475, 11,475 के आपके बराबर होगा। इसको हमको सॉल्व आउट करना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 11,475 गुड़े 100 डिवाइड बाई 45 गुड़े के 60। तो इसको 5 से पहले काट दो, 5×9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5×2 10 होगा, 10 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 14, 5×4 20 और 5×9 45 और 5×25 हो जाएगा, ठीक है भैया। फिर अगर इसको 5 से काटोगे, 10 से 10 आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, कितना बचा, 2495 गुड़े 1000 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 6 3×2 6 हो जाएगा, 3×8 24 3×3 9 5 नहीं कटेगा ये, 2495 में नहीं कटेगा, इधर से 11,475 ये कुछ और संख्या है, ये कुछ इसमें दिक्कत है क्वेश्चन में, कैंसिल आउट में। बाकी ये जो है आपका जो आंसर इसका जो है आ रहा है, ए का मान जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है यहाँ पे 42,500, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट करना, यहाँ पे थोड़ा वो हो रहा है क्योंकि एक बार जब गलती हो जाती है ना तो बार बार वो गलती समझ नहीं आती है। बाकी आप लोग इसको सॉल्व करो, 42,500 आपका आंसर आएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन भी आपका रिमेनिंग के कंसेप्ट पे है कि आपका जो कुछ सैलरी होती है फिर उसके बाद उसमें कुछ रिमेनिंग बचता है, तो अगले ही कंसेप्ट आपका सेम आगे चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका जो है कि रवि का मासिक वेतन आपका जो है 16,000 रुपये है, वह अपने वेतन का 30% किराए पर और 20% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष राशि का 60% वह म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, एक महीने में म्यूचुअल फंड में निवेश की गई राशि याद कीजिए। तो उसकी जो टोटल धनराशि है वो आपकी है 16,000 रुपये, ठीक है। वो 20% कहाँ खर्च करता है अपने, 20% खर्च करता है अपनी वो जो है अपने वेतन का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है। और 30% अपना जो है वो अपना खर्च करता है, 30% आपका किराए पर, ठीक है। तो टोटल उसका कितना खर्चा हो जाएगा, 50% आपका खर्चा हो गया। तो रिमेनिंग कितना उसके पास बचेगा, अगर हम बात करें रिमेनिंग उसके पास जो धनराशि बचेगी वो आपकी 50% बचेगी, ठीक है। अब उसके बाद 50% आपकी रिमेनिंग बचेगी धनराशि उसके पास, ठीक है भैया। तो अब कह रहा है कि जो 50% बचेगा उस 50% का वो 60% कहाँ निवेश करेगा, वो 60% निवेश करेगा म्यूचुअल फंड में, ठीक है। 60% कहाँ निवेश करेगा, अपने म्यूचुअल फंड में अपना निवेश करेगा। तो आपको बताना है कि म्यूचुअल फंड में कितना रुपए का धनराशि निवेश करेगा। तो आपके पास टोटल कितने हैं, 16,000 रुपये है, इसका 50% पहले निकाल लीजिए और उस 50% पे 60% आप म्यूचुअल फंड में दे दीजिए। तो यहाँ से कैंसिल करो, 2 0 2 0 2 2 कट जाएगा, हो जाएगा 16 और 5×6 30 हो जाएगा 300, 16×3 48 तो 4800 रुपये आ जाएगा आपका, कि वो अपने जो म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, कितना निवेश करता है वो 4800 रुपये का अपना जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। तो इसका कुछ आंसर हो जाएगा 16 का, ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है भैया। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन में कि उसके बाद टोटल 16,000 रुपये धनराशि थी,
उसने 20% अपने शिक्षा पर निवेश कर दिया, 30% उसने अपने किराए पर कर दिया, 50% उसने पूरा खर्च कर दिया, तो उसके बाद रिमेनिंग कितना बचा, 50% आपके पास रिमेनिंग बचा है। और उस रिमेनिंग का 50% के ऊपर जो रिमेनिंग है 60% कहाँ खर्च कर देता है, वो अपने म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। टोटल कितने की धनराशि उसके पास है, 16,000 की है, तो 16,000 पहले निकाला कितना 50%, फिर उसका हमने निकाला 60%, जो आपका आया वही आपका होगा म्यूचुअल फंड में निवेश की राशि। ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें कि अगले क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे कि अगर हम कहें कि आपका जो 100 रुपये है, 100 आपका रुपया है, अगर इसमें 20% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाता है, ये आपका 120 हो जाता है। ठीक है, तो ये 20% है क्या, 20% होता है 20/100, मतलब 20 × 20 = 100, 1/5, मतलब कि पहले वो धनराशि कितनी थी, 5 भाग थी, अब वो एक और बढ़ गई, कितनी हो जाती, 6 भाग हो जाती, मतलब 6/5। तो अगर हम वही 100 का 6/5 कर दें तब भी आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो चाहे आप इस तरीका से करो कि 100 का हम लोग 20% का 120 आपका आएगा, या हम लोग करें इस 20% को तोड़ दें तो ये हो जाएगा 1/5, मतलब पहले उसकी धनराशि 5 भाग थी, अब एक बढ़ के हो गई 6, मतलब 6/5 हो गई, तो 100 का अगर 6/5 का 120 आ गया। तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग आगे सीखेंगे क्वेश्चन को। जैसे एक क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सत्रह आपके कह रहा है कि राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया और शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपये बचे। तो मान लीजिए उसके पास कुल धन कितना था, माना उसके पास जो कुल धन था वो मान लीजिए ए था, ठीक है, कुल धन कितना था, ए था। अब कह रहा है उसका 12.5% खो गया, अगर 12.5% को हम लिखें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 12×24 = 25/200, तो मतलब कि 1/8। अगर मतलब पहले 8 भाग था, 1 भाग खो गया, कितना बचा आपका, 7/8 भाग आपका क्या है, बचा होगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है और उस शेष धन का 75% खर्च करने के बाद, मतलब शेष धन का 75% खर्च करने के बाद, मतलब ए आपका जो कुल धन था उसमें से 7/8 भाग जो आपका बचा, उसमें भी ए का 7/8 भाग में भी 75% अगर खर्च कर देता है तो कितना बचेगा, 25%। तो उस 25% का जो भाग है बराबर किसके है, वो बराबर आपके है 630 रुपये शेष बचे के, 630 रुपये आपके जो शेष बचे हैं। तो बताना है राम के पास कुल आपकी कितनी राशि शेष है, तो मतलब राम के पास कुल कितनी रुपए थी, तो अब यहाँ इसको कैंसिल आउट कर लो, 7 से काटो 7, 9, 63, यह हो जाएगा 90, और यहाँ काटोगे 25 से करना 25, 25 चौको 100, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, 90 × 32, तो यह कितना, 9×2 = 18 और 9×3 = 27, 28, 2880 रुपये किया जाता है उसकी राम की धनराशि, कि राम के पास कुल धनराशि कितनी थी, 2880 रुपये थी। तो 2880 रुपये जो थी राम के पास कुल रुपये था, उसने पहले 12.5% माना जो है उसका खो गया था, अब भाई 12.5% खो गया तो 25/200 हो गया, 1/8 भाग था, 1 भाग खो गया, 7/8 भाग बचा, ये 7/8 भाग बचा है, मतलब कुल 1/8 था मैं उसमें से। अब ए जो धनराशि है, ए धन का मतलब जो धन है, उस धन का 7/8 भाग जो बचा उस पर उसने 75% खर्च कर दिए, बचे कितने, 25% बचे, ये आपके 25% आ गया किसके, 630 के, यहाँ से हमने एक मान निकाल लिया, तो कुल धन आपका कितना आ गया, 2880 आ गया। हालांकि परसेंटेज में इतने टफ तक नहीं पूछेगा, पर हम प्रैक्टिस सेट दो कर रहे हैं तो पूरा कर लेते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि परसेंटेज का जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था एक दो लेक्चर में क्लियर हो गया, पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है मान लो बन ही जाएँ तो हम लोग कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब एक चीज़ सक्सेसिव है वो पढ़ लीजिए कि मतलब एक ही चीज़ पर जब दो बार सेम परसेंटेज लगता है, सक्सेसिव का कंसेप्ट है कि मान लो आपका जो है
₹100 कोई चीज़ है, 100 धनराशि है, उसे 20% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। फिर से अगर उसके ऊपर 20% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाता है ये आपका 144 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो अगर आपका है कि किस तरीके से मतलब इस पे सक्सेस लगता है, सक्सेस का एक फार्मूला सिंपल सा याद कर लेना, वो आपका होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, आइए अगर मान लो सक्सेसिव अगर मान लो वृद्धि परसेंटेज में 20% की वृद्धि हो रही है और एक बार अगर मान लो 20% की कमी हो रही है तो क्वेश्चन पूछता है कि कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी आप बताइए। तो इसमें आपको लगाना कैसे लगाओगे, अगर वृद्धि हो रही है उसको हम लोग लिख देंगे प्लस, अगर कमी हो रही है तो माइनस, तो वाई की वैल्यू माइनस हो गई, माइनस 20 × 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 − 24, ये -4 के आपको बताता है कि यहाँ पे कुल इसमें इस पूरे उसमें आपके 4% की क्या हो रही है आपकी कमी हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कंसेप्ट होता है आपका। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से भी आओ क्लियरिटी आपको आ जाएगी क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन आपका है कि सेब की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत कमी क्या होगी। पहले तो 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि की जाती है और फिर उसके बाद 20% की क्या की जाती है आपकी कमी की जाती है, तो क्या हो जाएगा 20 − 20 − 20 × 20/100, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20 − 24 तो कितना आ गया -4 आ गया। तो -4 हमें क्या बताता है कि 4% की उसमें कुल कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लगता है। क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 क्या है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी होती है, बाद में फिर 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो पहले तो उसके वेतन में क्या हुई, कमी हुई -50, फिर उसके बाद क्या हुई उसमें वृद्धि हुई, अब उसके बाद क्या हो जाएगा सक्सेस लगा 50 × 50/100, 2 0 2 0 कैंसिल, -50 + 50 कट जाएगा, -25 ये बताता है कि उसकी वृद्धि में मतलब उसके में क्या होगी 50% की क्या होगी आपकी कमी होगी। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा देखो, अब जैसे कि मान लो कोई आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, अगर लंबाई में भी वृद्धि की जाए चौड़ाई में वृद्धि की जाए तो वहाँ पे भी आपका सक्सेसिव लग सकता है, क्योंकि जब दोनों संख्याओं का मल्टीपल होकर के कोई एक चीज़ निकल के आती है तो वहाँ पर भी सक्सेसिव लग सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। तो यहाँ भी आपको सक्सेसिव इस तरह लगा सकते हो आप में कि मान लो लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हुई, लंबाई में आपकी जो है 8% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में आपकी जो है 5% की वृद्धि हुई, तो बताना है कि कुल वृद्धि कितनी हुई। तो 8 + 5 + 8 × 5/100, तो 8 × 5 = 13, 8 × 5 = 40, 40 / 100 मतलब कितना हो जाएगा 0.4, तो कितना हो जाएगा ये 13.4% की क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि यहाँ पे होने वाली है। ठीक, ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 21, इसको आप लोग लगाइएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं करना, एक बार लंबाई में वृद्धि हो रही है चौड़ाई आपकी कमी हो रही है तो कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो ये हमने जो है परसेंटेज के कुछ और आगे के टॉपिक डिस्कस कर लिए, और इससे पहले हमारी 2 क्लासेस उसमें बेसिक हुई थी, हालांकि मैंने आपको पहले बताया था कि परसेंटेज आपके चैप्टर में नहीं है, पर हम लोग आगे के टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा परसेंटेज को पढ़ लेते हैं, परसेंटेज आखिर होता क्या था, तो हमने थोड़ा बहुत और भी इसमें पढ़ लिया। इससे ज़्यादा आपका DDJEE में नहीं पूछेगा क्योंकि DDJEE में सिलेबस में परसेंटेज आपका है भी नहीं। ठीक है, बस हमने थोड़ा बहुत बेसिक इसलिए पढ़ लिया कि अगर मान लो बाय द वे अगर परसेंटेज से कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग कर लो। आगे हम लोग कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक, तो आप लोग इसको PDF को वहाँ टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करके, 2 PDF होगी हमारी प्रैक्टिस सीट PDF की, कल मैंने दी थी एक आज मिल जाएगी, तो दोनों को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और परसेंटेज का टॉपिक यहीं से रहेगा, बाकी कल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सब से यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।